है बच्चों आपका मेरी इस वीडियो में। मैं अभी एसी की टीचर मिस शबाना, मैं आपको कक्षा 9 का काव्य पढ़ाऊंगी हिंदी सब्जेक्ट का, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी रहीम के दोहे। ध्यान से सुनेंगे आप। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। बहुत ही सुंदर रहीमदास जी ने लिखा है। आप संदर्भ उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया आपको। प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ पे रहीमदास जी संगति के बारे में बता रहे हैं। और आप व्याख्या में लिखेंगे कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है लेकिन केले में जाकर कपूर का रूप धारण कर लेती है, और समुद्र के शीप में जाके मोती का रूप धारण कर लेती है, और सांप के मुख में जाकर विष का रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी तरीके से व्यक्ति समाज में एक जैसा ही होता है लेकिन वो जिस जिस तरीके के लोगों के पास जुड़ता है उसके मनोभाव उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप काव्य के संदर्भ में लिखेंगे कि संगति के बारे में रहीमदास जी ने बताया है। भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, सरल सुबोध भाषा लिखेंगे बच्चों आप लोग। और आप अलंकार में लिखेंगे रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, दोहा में लिखेंगे, छंद में लिखेंगे बेटा दोहा आप लोग, और मुक्तक छंद लिखेंगे क्योंकि स्वतंत्र रूप से बातें उन्होंने कही है। और आप क्या कहते हैं भाषा में लिखेंगे कबीरदास जी का डाल दीजिएगा आप लोग। कबीरा संगति साधु का हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। ओके बच्चों, आपको जो भी दोबारा पूछना हो मेरे कमेंट में लिखिएगा। और धन्यवाद।